तो कैसा है दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए अयोध्या की यात्रा करने का मतलब होता था कि उन पतली गलियों से होकर हनुमान गढ़ी मंदिर जाना और फिर वहां पर हनुमान जी के दर्शन करके दोबारा से वही पतली गलियों से गुजरते हुए घर लौट जाना। लेकिन दोस्तों, आज सालों के बाद ये इतिहास बदला है। जी हाँ, रामलला अपने घर पधार चुके हैं और आज यानी कि 22 जनवरी को सही मायनों में उन सभी लोगों की मेहनत सफल हुई जिन्होंने इस राम मंदिर को बनाने के लिए किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान दिया था। वैसे अगर आप लोगों को राम मंदिर संघर्ष से जुड़े हुए उन हर एक मुद्दों को समझना है तो उसकी पूरी कहानी मैंने इस वाले वीडियो में समझाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों, जब से ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई चर्चाएं शुरू हुई थी ना, तब से कुछ लोगों को और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज को ये बात खाई जा रही है कि इन बीजेपी वालों ने तो शुरू से ही राम मंदिर को अपना एक एजेंडा बना लिया है, जिसके आधार पर ये लोग 2024 में एक बहुत बड़े हिंदू समाज का वोट हासिल करना चाहते हैं। या फिर ये मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं था, ये तो बीजेपी और आरएसएस का एक समारोह था। आरएसएस बीजेपी फंक्शन। तो ऐसी सारी बातें मैंने और आपने हम सब लोगों ने सुनी है, पर दोस्तों आखिरकार कैसे बीजेपी राम मंदिर के इस पूरे मुद्दे को अपनी एक मेन हाईलाइट बनाकर आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल कर सकती है। सो आइए इस पूरे टॉपिक को आज के इस विजुअल में हम तीन मुख्य आधारों के रूप में समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में की गई सभी बातें सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट्स के रूप में बताई गई है। इसमें मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है और ना ही इसके लिए मुझे किसी पार्टी ने स्पॉन्सर किया है। तो आप सब लोग सबसे पहले तो इस पूरे वीडियो को शांति से देखिए और उसके बाद अपना एक ओपिनियन बनाकर आप लोग वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला और सबसे बड़ा आधार होगा सभी जातियों के हिंदुओं को साथ में लाना। हम सब लोग ये बात जानते हैं कि आज भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तो ऐसे में अब भाजपा का मेन फोकस ज्यादा से ज्यादा हिंदू समर्थकों को अपनी ओर करने पर है और बीजेपी ने सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी के रूप में निचली जाति या जिसे भारत में अनुसूचित जाति और पिछड़े हुए वर्गों के रूप में जाना जाता है उसमें से बड़ी संख्या में नेताओं को भर्ती करने का एक अभियान चला है। जैसा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम के रूप में बीजेपी ने एक आदिवासी नेता विष्णुदेव साई की पसंदगी की है। और अगर यहाँ पर बात आए राम मंदिर की तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या भाजपा के प्रयासों के बिना राम मंदिर का ये सपना पूरा हो पाता, क्योंकि दोस्तों 1990 के दौर में लाल कृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक इस राम मंदिर की जगह को पाने के लिए एक रथ यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हिंदुओं का समर्थन किया और इसी रथ यात्रा के जो को में एक नरेंद्र मोदी भी थे। लेकिन उस टाइम पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस रथ यात्रा को रोकने के लिए सब कुछ किया था। खुद लाल कृष्ण अडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया और इस एक कदम से लालू यादव ने मुस्लिम वोट्स को अपनी पार्टी के पक्ष में कर लिया, जिसका समर्थन आज भी आपको RJD पार्टी में देखने को मिलता है। हालांकि राम मंदिर के लिए लड़ाई और हिंदुओं का समर्थन करने की उस टाइम पर बीजेपी को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि दोस्तों 6 दिसंबर 1992 के दिन भाजपा की टोटल 4 राज्यों में सरकार थी। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरी कि ठीक इसके 2 हफ्तों के अंदर अंदर बीजेपी के पास इसमें से एक भी राज्य नहीं था, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इन सभी राज्यों की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश से तो हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहते हुए इन राज्यों की सरकारों को गिरा दिया कि उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था की समस्याओं की वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने राम मंदिर और हिंदुओं का साथ नहीं छोड़ा और इसके रिजल्ट के रूप में 1984 में भारतीय संसद की टोटल 543 सीट्स में से जिस भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 सीट से जीती थी ना, वही भाजपा 1996 यानी कि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद के पहले ही जनरल इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। तो ये दर्शाता है कि राम मंदिर के इस पूरे विवाद ने भाजपा को हिंदू वोटर्स के रूप में एक सबसे बड़ा समुदाय दिया और अब तो राम मंदिर बनने के बाद
बाद ये धारणाएं और भी पक्की हो गई है कि हिंदू रिलीजन आने वाले जनरल इलेक्शन में बीजेपी को ही वोट देंगे। फिर इसके बाद दूसरा आधार है सांप्रदायिक तनाव। अब बेशक भाजपा को सांप्रदायिक तनाव यानी कि आसान भाषा में दो धर्मों के बीच चल रहे लड़ाई झगड़ों ने हमेशा से ही चुनावी रूप से मदद की है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी चुनाव से पहले के कुछ टाइम में कोई दंगा होता है तो पार्टी के वोट्स में 0.8% का इंक्रीमेंट होता है और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि इन सांप्रदायिक दंगों की वजह से कोई दो व्यक्ति या कोई जाति नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक रिलीजन प्रभावित होता है। और राम मंदिर के केस में भी सभी हिंदू वोटर्स भाजपा को ही वोट दे ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन बीजेपी को ये अच्छी तरीके से पता है कि राम मंदिर के समर्थकों की संख्या इतनी बड़ी है कि पार्टी को आराम से इलेक्शन में इनसे मदद मिलेगी। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हर एक चुनाव से पहले लोगों ने ऐसे दंगे किए हैं कि पहले मंदिर और फिर सरकार। इनफैक्ट 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि मंदिर उसी जगह पर बनने वाला है तो उत्तर प्रदेश राज्य के 2022 के चुनाव में लगभग 2/3 से भी ज्यादा हिंदू वोटर्स ने सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए बीजेपी को वोट दिया कि ये लोग आने वाले टाइम में राम मंदिर बनाएंगे। और आज शायद इसीलिए भाजपा ने राम मंदिर का काम अधूरा होने के बावजूद इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। वैसे अयोध्या के बाद बीजेपी इस गर्मा गर्मी को जारी रखने के लिए वाराणसी और अयोध्या में भी ऐसी दो ऐतिहासिक मस्जिदों पर बीजेपी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है ताकि वो इस हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक तनाव को जारी रख सके। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरा आधार है दूसरे बड़े मुद्दों पर से ध्यान भटकाना। अब ये एक ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने जब भी वो सत्ता में होती है तब वो इस प्रोपेगेंडा का बहुत यूज करती है और ये राम मंदिर में भी करेंगे, जिसमें राम मंदिर के एक भव्य उद्घाटन समारोह का कवरेज अब लगातार महीनों महीनों तक सरकार समर्थित टीवी चैनल्स और न्यूज मीडिया पर दिखाया जाएगा जो कि लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमारे देश में चल रहा है उस पर से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और एट दी एंड ये सारा कुछ बीजेपी को अपना इलेक्शन नैरेटिव बनाए रखने में मदद करेगा क्योंकि दोस्तों वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपनी 100 गलतियों के सामने अपने एक अच्छे काम को उस तरीके से लोगों के सामने हाईलाइट करते हैं, इस तरीके से उसका पूरा मार्केटिंग करता है कि लोग जो एक्चुअल प्रॉब्लम देश में चल रही है उन पर से तो उनका पूरा ध्यान ही हट जाता है। जैसा कि मोदी सरकार ने न जाने कितनी सारी रोजगार योजना से नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन दोस्तों आज भी हमारे देश में 25 साल या उससे कम उम्र के तकरीबन 42.3% लोग बेरोजगार है। इसके अलावा बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज भी देश का किसान अपने ऊपर बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। इनफैक्ट 2014 से लेकर 2022 तक करीब 1,00,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की है। सो इन सभी बातों से कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बेशक बीजेपी ने राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे कुछ देश के बड़े बड़े मुद्दों को सुलझा कर एक इतिहास रच दिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए बीजेपी के लाल कृष्ण अडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने एक बहुत बड़ी कीमत संघर्ष के रूप में चुकाई है, लेकिन साथ ही साथ उनके दूसरे ये सारे एजेंडे और गलतियां भी उतनी ही मायने रखती है। अब रामलला तो अपने घर वापस लौट चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार का लक्ष्य अब भी अधूरा है। उनका ध्यान अब भी राम मंदिर के इतने बड़े फैसले को बीजेपी का एक मेन चेहरा बनाकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने पर है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका अपना क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताना जरूर, लेकिन तब तक के लिए मिलते हैं अगले विजुअल में। गुड बाय।